बसमिल वरह लि वर्कू मैं नए आने वाले अपने मुजिस्ट मेंबरान को यूट्यूब चैनल पर फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम ग्रुप पर और वेबसाइट पर ख़ुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तेरहवीं ट्रांसमिशन जारी है जिस तरह हर रोज़ हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं कि जिस को देखने से आपको मज़ीद रहनुमाई मिलती है और मालूम मिलती है हम जो भी गुफ्तु करते हैं जिस टॉपिक पर भी गुफ्तु करते हैं और जो भी सलासिल और जो भी खान-वादे के तालिमात को हम आम करते हैं बाकायदा और जो भी चीज़ आपको दी जाती है पढ़ने के लिए वो सब बाकायदा तौर पर इजाज़त से होता है सब कुछ जिस तरह हमने कल की ट्रांसमिशन में आपके ख्वाब क्या कहते हैं उस पर बात की थी आज हम बात करेंगे कि रूह की क्या हकीक़त है और रूह का ख्वाब से क्या ताल्लुक़ है और रूहों का मकाम क्या है और रूह जब हमारे जिस्म में होती है तो हमारे जिस्म में किस जगह पे कायम मकाम होती है क्या हम रूहों से काम ले सकते हैं क्या रूहें हमारी मदद करती हैं क्या रूहें इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकती हैं क्या अलिया कराम की रूहें हैं बुज़ुर्गान दीन की अरवाहें करने के लिए मुरीदों के जिसम में दाखिल हो सकती हैं या दाखिल होती हैं या तलीम और तरबियत के लिए रूह का सिलसिला क्या है और हम बुज़ुर्गान दीन की अरवाहों से किस तरह मदद कर सकते हैं किस तरह हम मदद ले सकते हैं उनके अरमाहों से हम किस तरह क्या रूहों से मुलाकात मुमकिन है आज तबर तबार हम इसी के मुताबिक गुफ्तु करेंगे सबसे पहले अगर हम रूह की हकीकत के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ लोगों ने सरकार दालम्ला वसलम से रूहों के मुतल सवाल किया कि हुजूर आप रूह के बारे में बताएं कि रूह क्या है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाए इन से कह दें कि कुल रूह मिन रब्बी कि रूह तो मेरे रब का हुक्म है और ये जो रब का हुक्म है रब का अमर है ये क्या है ये वही नूर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम सलाम में फूका और मुंतकिल किया और जब हजरत अलैहिस्सलाम की नस्ल चली इंसानों की तो ये रूहें फिर मुंतकिल होती चली गई जब हमारे जिस्म के अंदर रूह होती है तो बुजुर्गान दीन इसके बारे में फरमाते हैं कराम बाकायदा अपनी किताबों के अंदर इसको फरमाते हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो रूह का मकाम है जब इंसान हयात होता है जिंदा होता है तो उसकी जो बाएं पसली यानी कि जो दूसरी और तीसरी बाएं पसली के जो दरमियान का जो हिस्सा है ना वो कहते हैं कि ये रूहों का मकाम होता है ये रूह का मकाम होता है जब इंसान ज़िंदा होता है और रूह हमारे जिस्म के अंदर बाकायदा हरकत करती है बाकायदा गर्दिश करती है जिस तरह खून हमारे जिस्म के अंदर गर्दिश करता है और सरकार दो वसलम का फरमान है कि शैतान इंसान में खून की तरह गर्दिश करता है उसके खून में गर्दिश करता है हमारे जिस्म के अंदर हमारे जो नेगेटिविटी बनती है वो खून की वजह से बनती है वो शैतिन के दाखिल होने की वजह से बनती है वो शैतान की वजह से हमारे जिस्म के अंदर नेगेटिविटी बनती है और जो हमारे जिस्म के अंदर रूह गर्दिश करती है हमारे जिस्म के अंदर जो रूह होती है अगर वो शख्स जाकिर होता है जिक्र करता है अल्लाह रबुल्जत का जिक्र करता है उसके महबूब का जिक्र करता है उसके दोस्तों का जिक्र करता है जो वह मकबूल बारगाह हुए तो उस रूह बाकायदा तकवियत पकड़ती है उसकी वो जो नेगेटिविटी के असरा होते हैं वो इंसान के जिस्म के अंदर ठहर नहीं पाते रुकते नहीं है वो उस जिक्र की बरकत होती है जो नेगेटिविटी के जो असरात होते हैं जो खून हमारे शयातिन जो जिस्म में के अंदर गर्दिश करता है वो पेशाब के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है नेगेटिविटी के असरा उन लोगों में ज्यादा होते हैं कि जो जिक्र से गाफिल होते हैं क्योंकि रूहों में इसका एक बहुत बड़ा है हमारे के अंदर। जिस तरह बुजुर्ग जब तालीम तरबियत करते हैं तो उसके इब्तदाई स्टेज से अपने मुरीजों की तालीम तरबियत करते हैं डायरेक्ट रूह के मकाम पर लेकर नहीं आते लेकिन हमारे टॉपिक सिर्फ रूह की हकीकत है इसमें मुख्तसर रूह के बारे में आपको बताएंगे बाकी अलिया कराम जो अपने किताबों के अंदर तफसीर बयान करते हैं वह फरमाते हैं कि जब इंसान की तालीम और तरबियत की जाती है तो लतीफ़ा नफ्स से उसकी इब्तदा होती है फिर लतीफ़ा कल पर होती है फिर लतीफ़ा रूह पर होती है यानी कि जब इन दो मनाजिलों से गुजर के तीसरी मंजिल में दाखिल होते हैं तो वो रूह का मकाम स्टार्ट होता है वो रूह का मकाम शुरू होता है वो और उसके बाद फिर सिर फिर खफ़ी और फिर अखफा पे जाते हैं अभी हमारा टॉपिक लताइफ पे नहीं है लेकिन लताइफ के अंदर रूह एक माने रखती है अब हम बात करते हैं कि क्या बुजुर्गान दीन की जो अरवाहें होती हैं आपके गुजर जाने के बाद वो वापस लौटती हैं क्या बुजुर्गान दीन की अरवाहें इंसानों की मदद करती हैं बिल्कुल करती हैं क्योंकि कुरान भी बाकायदा ये कह रहे कि जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा ना कहो वो जिंदा हैं हम उन्हें रिख देते हैं लेकिन तुम इससे गाफिल हो और कराम बुजुर्गान दीन इनकी सारी जिंदगी जिहाद में गुजर जाती है जिहाद बेसिकली लड़ने का नाम है सरकार का फरमान है आपने फरमाया कि अब हम जहात असगर से जहाते अकबर की तरफ आते हैं तो साहबा ने फरमाया जहाते अकबर क्या है आपने फरमाया कि अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करना और यकीन हर बुजुर्गान दीन की अगर हम बात करते हैं औलिया कराम की बात करते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी इस में गुजर जाती है और जब उनका वक्त आता है तो वो इसी उसमें शहादत का दर्जा पाते हैं वो जो नेक रूह होती हैं मलायका उनको लेके आला मकाम की तरफ ले जाते हैं जिसे एलेजीन कहा जाता है और जो मुशरकिन की रूह होती हैं जो काफिरों की रूह होती हैं उसको मलायका जमीन के तीसरी और सातवीं पुष्ट में ले जाते हैं नीचे की जानब जिसे मकाम से जीन कहा जाता है बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स जिस जगह दफनाया जाता है जिस जगह उसकी मौत वाकई होती है फिर वहां से उस रूहों के मुंतकिल होकर उस जगह पर ठहरा दी जाती है उसके लिए वही में बरज बना दिया जाता है कि अगर वो नेक रूह है तो उसको आला की तरफ चले जाया जाता है अगर हम आलम बरज की अगर हम बात करते हैं तो अलाम बरजह के अंदर भी तकलीफ है अलाम बरज के अंदर भी राहत है वो फिर रूहों के मदारिज हैं उसके दर्जे हैं अब ओलिया कराम में भी दर्जे हैं उनके अमाल की वजह से उनके अफाल उनके अकवाल की वजह से कि जो शख्स इस दुनिया में जैसी ज़िंदगी बसर करता है उसको फिर आलम में अरबा में वैसे ही मकाम उसको दिया जाता है आपने देखा होगा जब किसी किसी वली की आप कबर पर जाते हैं तो वहाँ पे जो उसके तसरफात होते हैं वहाँ भी उनकी रूह बायदा तौर पर हाजिर होती है जो अल्लाह के अंबिया कराम हैं जो नबी हैं जो सोलह हैं जो मुकर हैं और जो उसके दोस्त हैं जिनसे वो दुनिया में भी राजी हुआ और आखरत में भी राजी हुआ वो अपनी कब्रों में बाकायदा जिंदा है उनकी रूहों को उनकी कब्रों में भी लौटा दिया जाता है कि जिससे रब राजी हुआ अल्लाह रबू जिससे जितना चाहता है अता कर देता है तो बुजुर्गानी दिन की अरवाहें भी बाकायदा तौर पर आती हैं और उनसे इंसान जब मदद तलब करता है तो वो उसकी मदद भी करती हैं रूहानियत की अगर हम बात करते हैं रूहानियत की दुनिया के अंदर रूह इसका ये समझ लें कि तीसरा मकाम है सबसे पहली जो तरबियत की जाती है वो इंसान को तस्के नफ्स की तालीम तरबियत दी जाती है उसके बाद उसको फिर जिक्र अस्कार तालीम किए जाते हैं और जब जिक्र अस्कार पर वो कायम मकाम हो जाता है उसका कल्ब उसका जारी हो जाता है उसका फैस ठहर जाता है कि जिसके बारे में तुम्हें कहा गया है कि और अल्लाह रबुल कुरान में फरमाता है कि और हमने दिलों को हिदायत देते हैं जिस दिल को जिस कल्ब को हिदायत मिल जाती है तुम्हारे रब की तरफ से फिर वो रूह की तरफ मकाम के सैर करता है और बकायदा तौर पर जब लतीफा रूह पर इंसान पहुंचता है तो उसको बुजुर्गान दीन कई तरीके कार समझाते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं मशक करवाते हैं जिसको जिक्र रूही भी कहा जाता है जब जिक्र रूही इंसान करता है तब वो उस पर उसी तरतीब और उसी तरीके से जो उसके बुजुर्गान दीन उसके शेख उसके पीर मुर्शिद ने उसको तालीमा दी हैं तो फिर वो अपने रूह पे भी इख्तियार हासिल कर लेता है फिर वो जब चाहता है कि अपने जिस्म से रूह को जुदा करना तो वो रूह को जिस्म से जुदा भी कर सकता है फिर वो चाहता है कि रूह को वापस लौटाना तो रूह वापस भी लौटा सकता है ले। लेकिन जब हम नींद की हालत में होते हैं अगर हमें किसी आम शख्स की अगर हम बात करते हैं तो जब इंसान नींद की हालत में होता है इंसान सो जाता है नींद की हालत में हो जाता है तो उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा होती है लेकिन उस पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता वो रूह जाती है जहां चाहती है वो सैर करती है क्योंकि उस रूह की रफ्तार जो होती है वो रोशनी की रफ्तार से तकरीबन एक हजार गुना ज्यादा होती है यहां तक कि आपकी जो पलक झपकने की जो रफ्तार है इससे भी कई गुना ज्यादा होती है रूह की रफ्तार क्योंकि नबी पाक सल्लाम का फरमान है आपने फरमाया कि नींद जो है ना वह आदि मौत है क्यों हमें हुक्म दिया गया है कि जब हम सोने की तैयारी करें जब हम सोने को बिसर पे जाएं और जब नींद का गलबा पर हो तो हम दुआ पढ़ के सोए कि जो नींद के हालत में अगर कोई दुआ पढ़ के सोता है आयतल कुर्सी पढ़ के सोता है अगर नींद के हालत में उसकी मौत वाकई हो जाती है तो यह भी एक शहादत का दर्जा है क्योंकि शैतान उस हालत में उसके करीब नहीं आता जब नींद के अंदर रूह हमारी सेर को जाती है जब रूह हमारे जिसम से निकलती है तो फिर शैतान खाब के जरिए जब एक घर खाली हुआ तो शैतान उसमें घुसने की कोशिश करता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जिसमें उसको वो बुरे ख्वाब नजर आते हैं जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि शैतान ख्वाब के, के जरिए भी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं वो वो मकाम होता है वो वो वक्त होता है तो ख्वाब के जरिए रूह और ख्वाब का ताल्लुक बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि जब हम कोई ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब की जो कैफियत होती है वो हमारे लाशौरी कैफियत में मुंतकिल हो जाती है वो उसमें महफूज होती है आपने बाद ऐसा देखा होगा कि आपने किसी मकाम पर गए और आपने उस मकाम को देखा आपने आपके दिल में ये गुमान हुआ यह ख्याल आया कि यार इस जगह पे मैं कभी आ चुका हूं पहले जबकि वो उस जगह पे जिंदगी में पहली दफा गया होता है जैसे एक शख्स पाकिस्तान से सऊदी अरब गया उसने जब किसी मकाम को देखा उसने कहा यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा देखा हुआ है इसका मतलब यह था कि उसकी रूह ने उस जगह की सैर की हुई होती है और जब रूह जब किसी जगह पे सैर करती है तो उसके सारे स्केच जो होते हैं ना वो हमारे लाशियर के अंदर महफूज हो जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर महफूज हो जाते हैं जब इंसान शऊर से लाशऊर का सफर तय करता है तो उसके अंदर बातें रूह बात पहले से देख चुकी होती है क्यों कहते हैं कि मुरागबे की हालत के अंदर इंसान हर जगह की सैर कर सकता है वो इस रूह की वजह से रूह की मदद की वजह से रूह ने वो वो मकाम देखे हुए होते हैं जो तुम्हारे जहनो गुमान में नहीं होते जो इंसान की अकल से बड़ी माहवरा है जो वो जगह कि जहां पे इंसान की अक्ल नहीं पहुंच सकती जहां पे इंसान नहीं पहुंच सकता वहां पे तुम्हारी रूह सैर कर कर आ चुकी होती है जब रूह जिस जगह की सैर करती है ना वो उसका रिफ्लेक्शन उसका असर जो होती है ना वो इंसान के कल्ब और इंसान के दिमाग के ऊपर सवार कर देती है इंसान के जो तहते शहर के बाद जो लशर की जो कैफियत होती है ना उसके अंदर बाकायदा तौर पर उसके अंदर वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसको वो महफूज कर देती है कि जब कभी इंसान के दिमाग जब इंसान कहीं सफर करता है इसकी नजर से वो मंजर गुजरता है तो वो ये सोचता है कि मैं इधर आ चुका हूं जबकि वो आ चुका नहीं होता उस जगह पर लेकिन जब इंसान मुराकबी की हालत में होता है जब इंसान मुराकिब होता है मुराकिब के बेसिकली अगर मायने देखे जाए ना तो वो है नेगेबानी के जब इंसान अपनी निगबानी करता है जब मुराकबा करता है उसकी कंसंट्रेशन उसकी यकसुई जब एक नुक्ते पर मरकूज हो जाती है तो उसके अंदर वो कैफियतें पैदा हो जाती है कि इंसान एक मकाम से दूसरे मकाम के अंदर मुराकबे की हालत में भी दाखिल हो सकता है और दाखिल हो जाता है आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्गान दिन के सवान हयात के बारे में कि आपको एक ही वक्त में एक ही उसमें दिन में एक ही वक्त के अंदर सत्तर जगहों पर देखा गया देखा गया है और ऐसा देखा गया है कि बाकायदा बर नफसा नफीस देखा गया है उनको कि हज़र पाकिस्तान में भी मौजूद है हजरत इंडिया के अंदर भी मौजूद है हजरत उम्र भी कर रहे हैं हजरत हज भी कर रहे हैं यह मकाम बहुत आला मकाम है यह बहुत बात की बात है ये लेकिन बुजुर्गान दिन के वाकयात से किताबों से यह हमें वाकयात मिलते हैं यहां तक के है कि जब इंसान मुराकिब होता है जब मुराकिब होने के बाद जब वो तवज्जो करता है अपने रूह की यानी कि जिक्र रूह के साथ वो मुराकिब होता है वो मुराकबर रूही करता है वो तो वो अपने रूह को बाकायदा तौर पर जिस जगह जिस वक्त जहां चाहे वहां की सैर कर सकता है जब इसकी इंतहा को पोछती है तो उसका रूह और उसका जिसम इतनी लतीफ हो जाते हैं कि वह अपने जिसम के साथ भी मुंतकिल हो सकता है जिसे कहते हैं कि सराहियत कर जाना इंसान का जिस्म के अंदर भी वो लताफत पैदा हो जाती है और ये लताफत इंसान के जिस्म के अंदर जिक्र इलाहिश से पैदा होती है और ये जो कसाफत है ये नेगेटिव वेगेट ही रखती है हमारे अंदर जिसकी वजह से हम उसको सैर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते जब आप जिक्र स्कार करते हैं आप परहेज करते हैं आप तमाम मामला तमाम मनाजिल से गुजरते हैं तो इस जिक्र की बरकत ही, ही होती है कि इस पर आपका इख्तियार हो जाता है इसका इब्तदा आपकी मुराकबे से शुरू होती है जब इंसान मुराकबे के अंदर दाखिल होता है जिसको हम कहते हैं कि मुराकबा रूही जिसे कहा जाता है जिक्र जिक्र रूही कहा जाता है मुराकबा ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में आए और आप शुरू होते ही आपने मुराकबा करना शुरू कर दिया मुराकबे तक पहुंचने के लिए आपको तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है और ये वही मराहिल है, ये हैं ये वही रास्ते हैं कि जो आपको डॉट की प्रैक्टिस से गुजारा जा रहा है या आपकी इब्तदाई मनाज़िल हैं ये, कि जब आप इस मंजिल से गुजर के दूसरी मंजिल में दाखिल होते हैं तो आपकी कैफियतें आपकी चेंजिंग आपकी सब कुछ आपको फील हो रहा होता है आपको नजर आ रहा होता है हम जब एक मंजिल से दूसरे मंजिल का सफर करते हैं तो उस मंजिल के दौरान जो वाकत हमारे अंदर जाहिर हो रहे होते हैं जिस मंजिल से हम गुजर रहे होते हैं जो हमारे सामने वाकत आ रहे होते हैं जो हमें फीलिंग्स हो रही होती हैं किसी को रोशनियां नजर आ रही होती हैं किसी को कुछ नजर आ रहा होता है किसी को शक्ल अशकाल नजर आ रही होती हैं किसी को दूसरे मामला नजर आ रहे होते हैं वो क्या है फिर वो एक मकाम से दूसरे मकाम में दाखिल होने के लिए ये कराया जाता है बाकायदा तौर पे। जब इंसान इन मकाम से गुजरता है इन मदारिश को तय करता है इन दर्जों से दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ता है फिर वो मुरागबे में अंदर दाखिल होता है जब वो मुराकबे के अंदर दाखिल होता है तो फिर वही कल्प और वही जिक्र और फिर वही असार शुरू होते हैं फिर उसके ऊपर फिर वही उसके कल्प की कैफियतें होती हैं फिर वही उसके कल्प पे हालात होते हैं फिर वही उसका कल्प मुख्तलिफ हालतों से गुजरता है उसके बाद जाकर फिर वो रूह के मकाम तक पहुंचता है कई लोगों की रूहों के मकाम तक पहुंचने में मुराकबर रूही तक पहुंचने में जिक्र रूही तक पहुंचने में पूरी पूरी जिंदगी सर्व हो जाती हैं वो नहीं पहुंच पाते लेकिन वो कामिल हो जाते हैं वो मुरीदों की असलाह कर लेते हैं वो मुरीदों पर तो इतहादी और तवज्जह मुंतकिला कर लेते हैं उनके सिलसिले बड़े बड़े फैल जाते हैं कोई लतीफा है, पे आगे रुक जाता है किसी को सात साल लतीफा नस पर गुजर जाते हैं किसी को बारह साल गुजर जाते हैं किसी को चौदह साल गुजर जाते हैं किसी को बीस साल गुजर जाते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम में गुधरने के लिए भी बुजुर्गान दिन को सालों गुजर जाते हैं ऐसा नहीं होता कि आप तीन साल में कामयाब हो गए कामिल हो गए इन मंजिलों को तय करने के लिए भी एक रहनुमा एक रहबर की जरूरत है जो तुम्हें हर इन इन रस्तों के ऊपर आपको कदम कदम पे खतरा शैतानी और खतरा नफसानी है खतरा नफसानी आपको उस वक्त तक है कि आपकी आखिरी सांस तक है खतरा शैतानी उस वक्त तक आपकी आखिरी सांस तक है यहां तक के सरकार गौस पाक शेख शहाबुद्दीन दी रमत ने आपको सरकार गौस पाक को ईद मुबारक कहा ईद के दिन कि हुजूर आपको मुबारक हो ईद तो आपने फरमाया शहाबुद्दीन मुझे उस वक्त मुबारकबाद देना जब साहिब ईमान मैं इस दुनिया से रुखसत हूं तो इसका क्या मतलब है ये बात कौन कह रहा है अजर सईदना शेख अब्दुल कादिर कि मुझे उस वक्त मुबारकबाद देना कि जब मैं साहिब ईमान इस दुनिया से रुखसत हूं तो खतरा शैतानी कहां, कहां तक है आपकी आखिरी सांस तक है यही वो मकामा हैं, यही वो मंजिलें हैं इब्तदा हर मुरीद की तवज्जो से ही होती है तवज्जो से ही चलती है तालीम और तरबियत मुरीद की शेख नीचे से असफल से लेके चलता है उसको आला की तरफ अल्लाह इज़्ज़त कुरान में कहता है ना कि लकत इंसान फी हसनी तकफीम कि हमने इंसान को बहुत अहसन तरीके से बनाया सुब मदत ना होफिलीन और हमने इसे जानवरों से भी बदतर फेंक दिया कि सिर्फ और सिर्फ उसके अमाल की वजह से आप इंसान को बड़े ऐसा तरीके से बनाया और फिर दूसरी में कहते हैं हमने इसे जानवरों से भी बदतर फेंक दिया कि अल्लाह रबुल्जत हमें इस मकाम से महफूज रखे मकाम असफल से यही वो मकाम हैं कि जिनके लिए बुजुर्गान ने दिन ने अपनी पूरी पूरी सर्व कर दी पूरे पूरे मामलत को सर्व कर दिए यही वो मकामात हैं आप देख लें कि जो लोग इन मंजिलों का सफ़र करते हैं जो लोग इस रूहानी सफ़र में शामिल होते हैं और इस नीयत से शामिल होते हैं कि हम इस सफ़र के अंदर वो तकालीफ़ वो परेशानियाँ हम उठाएँगे तो यकीन अल्लाह रबूज उनका माविन और उनका मददगार होगा कि जो लोग अपने बुजुर्गों के रस्ते पर चलेंगे अल्लाह ताला उनका माविन और मददगार होगा और इन रस्तों के अंदर जो परेशानियां आती हैं जो मुश्किलात आती हैं उसका एक बड़ा अजर है अल्लाह रबुजत जिसको जितनी आजमाइश में डालता है उसका अजर उतना ही होता है ये था रूह का मकाम और रूह की हकीकत लेकिन रूह और ख्वाब का आपस में भी बहुत गहरा ताल्लुक है जिस तरह कल के ट्रांसमिशन में मैंने आपको बताया था कि ख्वाब जो आप देखा करें वो हर एक से उसका जिक्र ना किया करें और ख्वाब जब आप जाहिर सी बात है जब ये हमारी वीडियोज हैं ये आम लोग भी देख रहे हैं आमिलीन भी देख रहे हैं और बाकायदा तौर पर कई सलासिल के लोग भी इसको वीडियो को देखते हैं कि जब आप किसी का ख्वाब की ताबीर बताने लगे या जब कोई शख्स आपसे ख्वाब बयान करे तो आप सबसे पहले सबसे पहले उस ख्वाब को पूरा तवज्जो व के साथ सुने उसके बाद यह देखें कि ख्वाब दिन में देखा, में, देखा में, देखा में, में, देखा में देखा है या रात में देखा है ख्वाब मौसम सरमा में देखा है या मौसम गर्मा में देखा है खजा के मौसम में देखा है या बाहर के मौसम में देखा है इन चीजों का बहुत गहरा ताल्लुक है ख्वाब किसी गरीब ने देखा है या किसी अमीर ने देखा है ख्वाब किसी जाहिल ने देखा है दुनियादार ने देखा है या ख्वाब किसी आलिम ने देखा है एक ही ख्वाब अगर कोई दुनियादार देखता है तो उसकी ताबीर अलग होगी और वही ख्वाब अगर कोई आलिम देखता है तो उसकी ताबीर अलग होगी एक ही ख्वाब अगर मौसम में गर्मा में देखा जाता है तो उसकी ताबीर अलग होगी और एक ही ख्वाब मौसम में सरमा में देखा जाए तो उसकी ताबीर अलग होगी एक शख्स हजरत अमीरमिन बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला के बारगाह में आता है और कहता है कि, ए कि मैंने ख्वाब देखा कि दरख्त के सत्तर पत्ते मेरे हाथ में आए मैंने उसको चुने तो आपने उसको ताबीर यह बताई कि तुझे सत्तर लकड़ियां पड़ेंगी तो ऐसा ही हुआ कि उसको सत्तर दुर्रे लगाए गए लकड़ी के फिर उसने यही ख्वाब देखा और फिर एक साल के बाद जब इसने ख्वाब देखा फिर हजरत अमीरमिन से कहा कि हुजूर मैंने ऐसा ख्वाब देखा तो आपने फरमाया तुझे सत्तर हजार दिनार मिलेंगे या सत्तर दिनार मिलेंगे तुझे वो कहने लगा ये अमीरमिन ख्वाब तो यही था कि ख्वाब में तो मैंने यही पिछले साल भी मैंने देखा था तो, तो आपने ताबीर इसकी ये कही कि मुझे सत्तर लकड़ियां पड़ेंगी और अब आप ये कह रहे हैं कि तुझे सत्तर दिनार मिलेंगे इसकी तावीर क्या है इसकी वजह क्या है आपने फरमाया कि उस वक्त जब तूने ख्वाब देखा था तो वो मौसम खजा थी और अब जो तूने ख्वाब देखा है ये मौसम बहार है यानी कि ख्वाबों का ताल्लुक वक्त से भी तयन करता है वक्त के लिहाज से बदल जाता है ताबीर उसकी एक ही ख्वाब अगर ये ख्वाब कोई देखे कि किसी ने आपको किताब दिए अगर आलिम यह ख्वाब देखे तो इसका मतलब यह होगा कि उसके इल्म से दुनिया फैज उठाएगी दुनिया उससे फायदा उठाएगी और अगर यही किताब कोई दुनियादार देखे यही ख्वाब कोई दुनियादार देखे कि उसको किसी ने किताब दी है तो इसका मतलब यह होगा कि उसको असलाह की जरूरत है तो ख्वाब की अगर हम बात करें ना तो ख्वाब की ताबीर बताना हर इल्म से सबसे मुश्किल इल्म है हजरत इमाम जाफर सादिक ताला आना फरमाते हैं कि ख्वाब चंद लोगों को नहीं बताने चाहिए कि जिसमें कोई दुनियादार हो कोई जाहिल हो औरतों को ख्वाब बताने से आपने मना फरमाया है कि तुम अपना ख्वाब औरतों को भी नहीं बताओ औरतों को भी ख्वाब बताने से मना किया गया है एक औरत ख्वाब देखती है फौरन दूसरे औरत को ख्वाब बता देती है अपना और अपने दुश्मनों को ख्वाब ना बताओ और ऐसे शख्स को ख्वाब ना बताओ जो तुमसे हंसत रखता हो ऐसे हमें बहुत सारे वाकयात मिलते हैं यही वाक्य एक बुजुर्ग की सोहबत में मिलता है कि एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया वो कहता है कि हजरत मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरा उजू कट गया तो आपने फरमाया कि तूने क्या किसी और से इसका जिक्र किया है उसने कहा मैंने चार पांच लोगों से जिक्र किया है तो आपने कहा किसी ने क्या कहा उसने कहा कि तू जल्दी मरेगा किसी ने कहा कि तेरी नस्ल मिट जाएगी किसी ने कहा कि तेरी जो दौलत दौलत है ये सब गरक हो जाएगी किसी ने कहा कि तेरी आल औलाद भी मरेगी तो आप वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने उसी वक्त इना राजन पढ़ लिया वो शख्स उठ के चला गया आपने कोई ताबीर नहीं बताई जब वो चला गया उठ के तो ऐसा हुआ कि वो कश्ती में अपने बाल बच्चों के साथ सफर कर रहा था वो कश्ती डूब गई उसकी नस्ल भी खत्म हो गई कश्ती डूबी जान से भी मरा और जब मर गया तो मछलियों ने उसके उजू को भी खुराक बनाई अपनी यानी कि एक ख्वाब चार पांच लोगों को ताबीर बताई तो वैसी ही ताबिर सरदर्द हो गई उससे इसीलिए मना करते हैं बुजुर्गान दीन कि अपना ख्वाब किसी को भी नहीं बताना चाहिए बुरे ख्वाब और जो अच्छे ख्वाब हों आप उसका जिक्र ऐसे से ही करो जो आपके साथ हमदर्द है आपका मुखलिस है आपका बेहतरीन दोस्त है आप अपने ख्वाब का जिक्र कर सकते हैं आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉक्टर शाज़ली डॉट कॉम और डब्ल्यू डब्ल्यू शाज़ली इस्लामिक सेंटर डॉट को डॉट यू के आप इस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मसाइल और उनके हल के लिए इस्पेशली आप लोगों के लिए एक पेज रखा गया है कि जिसमें आप अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं तो इन वक्तन फ़ोक्ता आपको उसका तमाम का जवाब दिए जाएंगे और अब हम बढ़ते हैं, हैं लाइव कॉल की जानब और जो लोग जिस मामला में परेशान हैं जो लोग हमसे डिस्कस करना चाहते हैं वो अपने मसाइल को हमसे डिस्कस कर सकते हैं जी अस्सलाम वालेकुम व वरह कौन और कहाँ से बात कर, रहे हैं? तर, बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप जी मैं सुन रहा हूँ आपको जी जी बोलिए आप ठीक है का। अच्छा। आप एक काम करा करें जब आप दूध निकाला करें तो आप सबसे पहले एक डोंगा आप ये समझ लें कि अल्लाह की राह में निकाल दिया करें और किसी फ़कीर को या किसी गरीब को उसको राह लीला दे दिया करें तो आप फिर आप उसमें बरकत देखिएगा और अगर काम में आपके रुकावट है तो इसकी बरकत से आपके काम की रुकावट भी दूर हो जाएगी और अगर आप कर्जदार हो गए तो इन शाला ताली कर्ज़ भी आपका अदा हो जाएगा जब कोई हम ऐसा काम करते हैं जैसे हमारा तंदूर का काम है जैसे हमारा होटल का काम है जैसे हमारे कोई दूध का काम है तो जब हम अपने काम की इब्तदा किया करें जब हम करा करें तो सबसे पहले अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में आप उसमें सबसे पहले सबसे पहले अगर आप तंदूर का है तो आप एक दो रोटियां निकाल के अलग कर दें ताकि आप किसी गरीब की मदद कर दें उसको दे दिया करें फिर आप उसके काम में आप अपने बरकत देखें उसमें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह आपकी बारगाह में एक सवाल था अगर कोई शख्स किसी सिलसिले में पहले से ही डेथ हो तो आपके सिलसिले में अगर डेथ होना चाहे तो फिर क्या किया जाए देखें जी बिल्कुल आप बेहत तलब ले सकते हैं कि अगर देखें बैत दो तरह की होती है एक बेहत इरादत होती है एक बहत तलब होती है इरादत आपकी एक ही तरफ काम रहती है एक ही जगह कायम रहती है लेकिन बेहत तलब आप इल्म को हासिल करने के लिए अपनी तालीम और तरबियत को मुकम्मल करने के लिए अगर आपके शेख दुनिया से विशाल फरमा गए तो उनके बाद अगर आपकी तालीम और तरबियत अधूरी रह गई है तो उसको मुकम्मल करने के लिए आप बेहतर तलब ले सकते हैं

वो इस तीन दिन के अंदर जकात अदा कर लें मियाँ हजूर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सात सौ मरतबा रोजाना नादे अली की जकात अदा करता है तीन दिन में उसकी जकात अदा हो जाती है अगर कोई शख्स हिम्मत रखता है ताकत रखता है तो वह उन्नीस सौ मरतबा की तादाद को कर ले ग्यारह सौ ग्यारह की तादाद को मुकम्मल कर ले इक्कीस सौ की तादाद को मुकम्मल कर ले इन जो आपको आसानी हो इन चारों तादाद में आप कोई भी तादाद को तयन कर लें और और फिर आप आप उसको उस, उसी तर्टीव उसी तरीके के साथ जकात अदा करने, आपकी नादेली की जक़ात अदा हो जाएगी जी वाले इस्लाश के लश्कर का आपसे एक सवाल और था कि आयतल कुर्सी और मुज़म्मिल की रूहानियत एक्टिव कैसे होती है हो? उसकी तकरार का कोई खास तरीका ताबीन फरमाते और जो मुलाक़ातें में जितने कत्ली करते वक्त जगह की माट का जिक्र किया मियां हुजूर ने उसका अगर ताबीन फरमाते हैं कि वो किस तरह पकड़ते हैं पांव से ठीक है देखिए किसी भी इसम की या किसी भी सूरत की रूहानियत को खोलने के लिए पहले आपने उसके अंदर ख़ुद को गरक करना पड़ता है ख़ुद को मिटाना पड़ता है रूहानियत ऐसी नहीं खुलती कि, कि हमने चालीस दिन का चिल्ला करा और हम पे रूहानियत खुल गई रूहानियत खुलने से मतलब पता है आपको क्या होता है किसी का अमल खुलने से मतलब पता है क्या होता है कि उसकी रूहानियत उसके कल्ब के अंदर काय मकाम हो जाती है इसमें आपको बड़ी रियाजत से गुजरना पड़ता है हमें किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है हम कुछ खोना भी नहीं चाहते और हम सब कुछ पाना चाहते हैं तो ये दो रस्ते हैं जब तक हम कुछ खोएंगे नहीं हम कुछ पा नहीं सकते खोने से मतलब यही तकालीफ यही परेशानियां यही मुश्किलात जो हम अल्लाह का जिक्र करते हैं उसके अंदर हमें जो मुश्किलात आती हैं उस पर सब्र करना उस पर रब का शुक्र अदा करना ये खोना होता है जब इंसान इस रास्ते से गुज़रता है फिर अपने वो कामयाबी का सफर तय करता है जी वालेकुम जी अहमद रजा साहब नादेली का मैंने आपको इजाजत भी दे दी और आपको पढ़ने के तरीक़ेकार भी समझा दिया है तो आप चाहे तो 700 बार पढ़ लें चाहे तो आप 1100 सौ मरतबा पढ़ लें चाहें तो आप 2100 सौ मरतबा पढ़ लें, तो आप लें। आपकी अदा हो जाएगी तीन दिन में। जी, आदा आ, फरमाए जी, मेरा ये, ये सवाल था कि हम सवाल कि लोगों ने जो नक्श तैयार करके रखा है

आप लोग लोगों के भी इलाज और मुआजा कर सकते हैं और जिन लोगों ने जितने भी नकोश की जकात अदा की है वो बाकायदा तौर पर अगर समंदर में डालना चाहें तो समंदर में डाल सकते हैं और अगर समंदर करीब नहीं है तो अपने पास संभाल के रखें इनशा रमजान के बाद हमारी इन इसकी बकायदा क्लासेज़ जो होती हैं हर हफ़्ते मैं इन शाह उसके अंदर बिल्कुल तफसीली बताऊँगा और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं जो लोग कराची में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर इतवार को संडे यानी कि हर संडे मेरे अपने क्लिनिक के ऊपर तालीम तरबियत का सिलसिला रहता है कि जिसमें मैं बायदा तौर पे क्लासेस लेता हूँ उसकी टाइमिंग असर और पे मगरब और इशा के दरमियान है तो आप वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे हिसाब से आप लोगों को उसकी इजाज़त है जी वाईकुम असल जी बिल्कुल बात कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब शेर से बात कर रहा हूँ अच्छा माशा जी मसला ये है कि डॉक्टर साहब घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े और जो है ना रोजी रोजगार में तंगी बहुत ज्यादा है और हर वक्त कोई ना कोई मसले में परेशानी में रहते हैं बीमारी में तो सेंटर जो आपका है ना कराची आला वहाँ से मैंने इस्ते जाकर तो इन्होने बताया कि बहुत पुराना जन्नाती मामला है आपके साथ तो हांडी वाला अमल करना पड़ेगा तो उन्होंने जो फीस बताई थी साठ तकरीबन साठ पैंसठ हजार रूपए ठीक है तो उस हवाले से जो है ना अभी हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम वो करवा सके ठीक है तो अब हम जहाँ से दूसरी जगह से कहीं से भी करवा दे दो चार दिन फर्क पड़ता है फिर वही हो जाता है मसला ना ठीक है तो अब इसके लिए आपसे ठीक है कुछ देखें आप मुझे नाम बताइए मोहम्मद बिलाल मोहम्मद बिलाल फालदा का नाम यासम यासमीन ठीक है ठीक है मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता हूँ अच्छा अलहमदिल्ला जो हमारा जो सिलसिला है अलहदिल्ला काफ़ी वसी और काफ़ी बड़ा सिलसिला है और आप ये देखें कि मियाँ हजूर के अलहमदिल्ला कई तादाद के अंदर खुल्फा मौजूद हैं मियाँ हजूर के खलीफा मौजूद हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अपनी ख़दमा को अंजाम दे रहे हैं कोई तारिकिया के नाम से खदमात को अंजाम दे रहा है कोई शाजलिया के नाम से अपनी ख़दमात को अंजाम दे रहा है कोई फला नाम से खदमात को अंजाम दे रहा है तो अगर आप अगर जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम असलम वालेकम अस्सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो जो लोग जिससे कनेक्ट होते हैं अच्छा अब जैसे मिसाल के तौर पर मियाँ हजूर के दस खलीफा हैं तो दस जो खलीफा है ना वो अपने अपने इदारे के लिए काम करते हैं अपने अपने सेंटर के लिए काम करते हैं अपने अपने मामला जो लेनदेन देन होता है वो उनका अपना ज़ाती होता है उसका मरकज से मरकज से और हम से कोई ताल्लुक नहीं होता नाम तो सिलसिले का है काम तो सिलसिले का है लेकिन उसमें जो भी लेन देन किया जाता है ना तो उसका मरकज मियाँ हजूर से कोई ताल्लुक होता है ना मुझसे कोई ताल्लुक होता है ना मेरे अपने कोई ताल्लुक होता है सिस्टम से तो हर मियाँ हजूर के पचास खलीफे हैं तो पचास लोग काम करते हैं कोई पचास हजार लेता है कोई पचास लाख लेता है कोई दस हजार लेता है कोई पांच हजार लेता है ये उनका अपना एक जाती फैल है तो इसका ना तो कोई मियाँ हजूर से ताल्लुक है ना कोई मेरे हिस्सों से कोई ताल्लुक है उसका लेकिन जब इलाज और मुआजा किया जाता है तो एक बात याद रखिएगा कि जब किसी का कोई बड़ा पेचीदा मामला होता है कोई जादू के मामला होते हैं कोई सहर बिल जुनून के मामला होते हैं कोई सहर बिल आसिफ के मामला होते हैं जिसके मेरे बारे में मैं हुजूर ने तफी समझाया है मैं हुजूर ने तफीली बताया है उसमें बाकायदा तौर पर अगर कोई शख्स इस काम को जानता है तो वही ये काम कर सकता है वही इस चीज़ का उतारा कर सकता है उसके अंदर तोशे भी दिया जाता है उसके अंदर बखूर का इस्तेमाल भी किया जाता है उसके अंदर कुछ लोगों के काम तो ऐसे बिगड़े हुए काम होते हैं ऐसे खतरनाक काम होते हैं कि उनके लिए बाकायदा तौर पर पूरी चौकी लगाई जाती है अब पूरी चौकी लगाई जाती है पूरा सामान लाया जाता है बखूर का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर जब काम किया जाता है तो उस पर असर पड़ता है अब हर बंदा हर अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन ये भी एक बात याद रखिएगा कि हर शख्स आसानी के साथ नहीं कर सकता ये वही काम कर सकता है जो इस रस्ते से गुजरा हो जिसने इस रस्ते को देखा हो जिसने इस काम को देखा हो उस काम को कराओ, हो वही ये काम कर सकता है वो ना हर इंसान के बस का काम नहीं है मैं हजूर उसके बारे में तफसीली बता चुके हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं ठीक है सऊदी अरब से बात कर रहे हैं जी क्या पूछना चाहेंगे ठीक कर। ठीक है ना कोई काम हो रहा है हो नहीं हो रही। नहीं हो रहा। आपका नाम क्या है नाम खान है। हसन खान है आपकी वालदा का नाम क्या नाम है शमीम बानो ठीक है अच्छा आजकल जो आपने देखा होगा कि जैसे मसाइल चल रहे हैं जैसा वक्त चल रहा है जिस वबा ने हमें चारों तरफ से जगड़ दिया है अच्छे खासे मिडिल क्लास के लोग भी इस वक्त इस वबा की वजह से ये समझ लें कि आसमान से ज़मीन पर आ गए फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई है उनको उनके हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं अब जब हमारे हालात डिस्टर्ब होते हैं हमारे तंग परेशान होते हैं तो यकीनन हम पर हम ये समझते हैं फिर हम पे किसी ने जादू कर दिया अच्छा जादू हर एक पे नहीं होता ये ये चीज़ आप जहन में रखें अपने कि हर शख्स अगर ये समझता है ना कि आप मुझे चेक कर ले मुझ पर किसी ने जादू कर दिया तो ऐसा नहीं होता हर एक पे जादू भी नहीं होता हर एक पर आसेप भी नहीं होता हर एक पे सहर भी नहीं होता बाजों का कुछ कोताहियाँ हमारी अपनी पैदा करदा होती है हमारी अपने हाथों से की हुई कोताहियाँ होती हैं जो हम इसका खुमियादा जो होते हैं ना वो हम एक लफ्ज़ जो जादू है ना हम उसके ऊपर डाल देते हैं कि जी किसी ने जादू कर दिया हम पर आई बात समझ में तो कोशिश ये ट्रांसमिशन करने का मकसद मेरा आपको पता है क्या है कि आपको इन वबाओं से निकालना इन बलाओं से निकालना अच्छा एक वबा वो है जो इस दुनिया में फैली हुई है एक वबा वो है जो हमारे जहनों में फैली हुई है जो दुनिया में वबा है ये तो खत्म हो सकती है ये तो खत्म हो जाएगी आई बात समझ में लेकिन वो वबा जो हमारे अंदर सराहियत कर गई है हमारे दिमागों के अंदर बैठ गई है कि हम पे किसी ने जादू कर दिया या हम पे किसी ने ऐसा कर दिया या हम पे किसी ने वैसा कर दिया तो ऐसा कोशिश करा करें कि आप लोग जो ना मैंने आपको एक इतना जबरदस्त हथियार दिया है जो सूर्य कुरैश का हथियार है मैं ये बात कहता हूं कि जो लोग सूर्य कुरैश को अपने मामूल में रखते हैं ना मजा ले कोई जादू उस पर असर कर जाए और अगर कोई शख्स जादू के मुबतला है अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे मामला जादू की वजह से सब बिगड़ गए हैं तो वो सूर्य कुरैश को पढ़ना शुरू करे यार जब तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ेंगे जब हम अपने आप को दीन के रस्ते पर ढालेंगे जब हम ऐसी ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे ऐसे लश्कर का हिस्सा बनेंगे जिनके कमांड बुजुर्गान दीन के हाथ में तो हम पे कोई जादू असर नहीं करेगा मेरे लश्कर में अगर पचास हजार लोग हैं ना और अगर वो इस लश्कर में शामिल हुए और उन्होंने सुरय कोरैश की जकत अदा कर ली है ना तो मैं ये बात कहता हूं उनके ऊपर जादू खत्म हो जाएगा एक वक्त में चाहे वो कितना शदीद कितना ही सख्त क्यों ना हो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को इन चीजों से निकालें जादू कोई इतना आसान नहीं है जिसको हमने ये ले लिया है मेरे पास अगर मैं अगर पचास मरीजों को अपने क्लिनिक पे देखता हूं ना आप यकीन करेंगे उन पचास में से तो जो ना 45 कहते हैं कि हम पे जादू है। और जब मैं उनके को चेक करता हूं, तो कुछ मुझे पांच ही नजर आते हैं जिनके ऊपर है। मना, नहीं है। नहीं, मना नहीं करता लेकिन मैं उनकी इस्लाह करता हूं उनकी इस्लाह में कैसे करता हूं कि जाहिर सी बात अगर दिमाग के अंदर हमारे कोई पैदा हो गया है। या हमें लगता है कि हमारे अंदर ऐसे कोई मामला ऐसी कोई बातें ऐसी कोई सरजद हो गई है हमसे तो मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करता हूँ और उनको कलाम की तरफ लेकर आता हूं जब उनको उससे फायदा होता है वो ये कहते हैं देखा हम पे जादू था ना आपके तावीर से हम ठीक हो गए जबकि असल हकीकत अगर देखा जाए ना तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी हमारे अंदर जो नेगेटिविटी पैदा हो रही होती है ना फिर यही जादू की सूरत इख्तियार कर जाती है यही आसिफ की सूरत इख्तियार कर जाती है यही शयातीन की सूरत इख्तियार कर जाती है जब हमारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग के ऊपर हावी आती है ना तो हमारे दिमाग भी से करने जैसे एंजाइम पैदा करना शुरू कर देता है जादू की अलामत है आज के दौर में जादूगर भी इतने फारिक नहीं है और मैं ये समझता हूं मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर ना बहुत कमी लोग रह गए जो गिनती चुनती के जो जादू करने वाले हैं जो इसका उतार करने वाले हैं जो इस काम को जानते हैं बाकी मुझे नहीं लगता बाजार में तो आपको एक लाख मिल जाएंगे उतार करने वाले जादू करने कराने वाले वो सिर्फ वो सिर्फ उन बुजुर्गों के नाम का खा रहे हैं या अपने उस्तादों के नाम का खा रहे हैं बाकी करना कराना उनके बस में नहीं है मैं आपको एक बात बताऊं इंसान के दिमाग का जो ताल्लुक होता है ना इंसान का पता ही कितना होता है कि अगर किसी कोई कागज भी बना के उसको अगर किसी के घर से कोई तावीज निकल भी जाता है ना कोई पेपर भी निकल जाता है ना जिसमें बच्चों ने कुछ लकीरें मारी होती है तो वो उसको भी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं जो किसी नाम पे जादू कर दिया जादू इतना आसान नहीं है जादू का लफ्स आपने याद किया हुआ है लेकिन आपको उसके मायने नहीं पता जादू अगर किसी के वो होता है ना पूरी पूरी नस्लें बर्बाद कर देता है जिसके ऊपर अगर डायग्नोस हो जाए जिसके ऊपर मामला हो जाए मैं चाहता हूं कि अब जाहिर सी बात है अगर मैं यहां बैठा हूं मेरे पास अगर एक हजार लोग आते हैं तो जो सौ लोग आते हैं मेरे लिए वो ज्यादा अजीज ज्यादा वो है कि जिनके ऊपर ये मामला होते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लोग इस वबाओं से इस बलाओं से इस मुसीबतों से निकले इस निकलने से पहले आपने सबसे पहले अपने अंदर के बुद को भी तोड़ना होगा उस खन्नास को भी आपने आपके दिमाग से निकालना होगा जो हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ हमें वसवसे देता है कि इसके ऊपर ये है इसके ऊपर ये है इसके ऊपर आप लोग फैसला ना करें यहां तक के जादू को चेक करने के लिए आसेब को चेक करने के लिए नजरे बद को चेक करने के लिए हर चीज को चेक करने के लिए मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके कार आपको समझा दिए अगर आपको ऐसा लगता है मैं चाहता हूं कि आप लोग गलत हाथों में ना पड़ें, मैं चाहता हूं कि आप लोग बुरे लोगों में ना फंसे मैं चाहता हूं आप लोग ऐसी जगहों पे ना जाएं कि जहां पे आपकी दौलत को आपकी इज्जत को आपकी हर चीज को खतरा को खुदारा अपने आप को निकालें अगर आपको ऐसा लगता भी है ऐसा फील भी होता है कि मेरे ऊपर कुछ है तो मैंने उसको तशखीस करने के बहुत सारे तरीक़ेकार समझाएँ मैं और आपके लिए आज की वीडियो में मजीद समझा देता हूँ कि अगर हम पे कोई जादू है हम पे कोई ऐसे मामलात हैं हम पे कोई ऐसे असरात हैं तो हम किस तरह पता करें कि हम पर ये मामलात ये जादू के असरात हैं हम किस तरह उस यहाँ से हम निकलेंगे कि हमें पता चले कि हम पे ये मामलात हैं सबसे पहले आप ये काम कर लें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया तो आप एक मिट्टी का प्याला ले लें ठीक है अब ये आसान सा तरीके का है और मेरी तरफ से इसकी आम इजाज़त है आप मिट्टी का एक प्याला ले लें मिट्टी के प्याला लेने के बाद आपने उसमें सूर्य कुरैश पूरी लिख देना है उसमें मिट्टी के प्याले में मार्कर से लिख दें या किसी भी चीज़ से लिख दें कि सूर्य कुरैश उस पर लिखी हुई हो उसके बाद आपने करना ये कि इसके ऊपर सत्तर मरतबा सूर्य क्रैश पड़ के उस प्याले पर दम कर दें उस प्याले पर दम करने के बाद आपने करना ये है कि उसके अंदर पानी भर देना है और पानी भर दें और पानी भरने के बाद आप उसको अपने सरहाने रख के सो जाएं। जब आप सरहाने रख के सो जाएंगे उसको चाहे तो ढाप दें चाहे ढाप उसको ढाप दें तो ज़्यादा अच्छा है और आप सो जाए और जब आप सोने लगें जब आप सुबह सोकर उठें आप उस मिट्टी के प्याले को उठाएं और अपने ऊपर से 21 मरतबा उतारें जैसे हम किसी की नज़र उतारते हैं ना 21 मरतबा उतारें उतारने के बाद रख दें और फिर दोबारा 70 मरतबा सूर्य कुरैश पड़े पढ़ें उसको दम कर दें अगर आपके ऊपर जादू होगा तो जिस जगह पर यह अमल किया जाएगा ना वहाँ से गोश की बदबू आनी शुरू हो जाएगी उस पानी से गोश की बदबू आनी शुरू हो जाएगी और अगर किसी के ऊपर कोई हमजाद हुआ कोई शैतान हुआ कोई चुड़ैल हुआ कोई आसेब हुआ तो गोशी बदबू आनी शुरू हो जाएगी अच्छा गोशी बदबू आना दो चीजों की अलामत होती है एक वो तावीज़ात के जो इतना असर नहीं रखते लेकिन तावीजात कहलाते हैं कि जैसे किसी ने नूरी अमल के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी आप क्या समझते हैं कि नूरी अमल के जरिए नुकसान नहीं पहुंचाया जाता क्या उसके जरिए भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है कि तो वो जो तावीज़ा के असर होते हैं ना जब गोशी बदबू आती है ना तो उसमें वो तावीज़ा होते हैं जो नूरी अमल के जरिए इंसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर शयातीन यानी कि हमजात होता है कोई आसेब होता है कोई दिव चुड़ैल चुड़, खबीज ये शयातीन होते हैं और अगर ऐसी बदबू आए कि जैसे मछली की होती है सड़ी हुई मछली की होती है अच्छा पानी में से भी स्मेल आएगी और आपकी उस जगह से भी ये स्मेल आने शुरू हो जाएगी जिस जगह पर आपने ये अमल किया है लेकिन आप उसी कमरे के अंदर ये सामान तैयार करेंगे इसी कमरे के अंदर ये अमल करेंगे इसी कमरे के अंदर चेक करेंगे कमरे से बाहर नहीं करेंगे आप ये काम अगर मछली की आएगी तो सिफली अमल किया होगा काला जादू किया होगा अगौर किया होगा जादू की इतनी इकसाम है मैं आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारा जादू के बारे में भी टॉपिक होगा मैं जादू के बारे में बताऊंगा कि जादू कौन कौन से होते हैं वो किस तरह किए जाते हैं और किस तरह उसको तोड़ किया जाता है अगर सिपली है तो इसका तोड़ कैसे होगा कोई काला जादू है तो इसका तोड़ कैसे होगा अगर किसी जादू के जरिए किसी हमजात को जगाकर इसके ऊपर मुसलत किया जाता है तो उसका तोड़ कैसे होगा मैं इन कबाला जादू का अघोर जादू का हर चीज का आपको अलग अलग तरीके का समझाऊंगा इन तरह इसके तोड़म कर सकते हैं और हमें डायग्नोज अगर हो जाता है तो ये दो तरीके हो गए ये दो रस्ते हो गए दो मामला हो गए जो समझाए मैंने और तीसरा अगर पानी के अंदर से ऐसी बू आ जाए जैसे गटर की बू आती है ऐसी बू आ जाए जैसे गटर की बू आती है बात जैसे टॉयलेट में बू होती है ऐसी बू अगर आ जाए तो ये समझ लेना कि शयातीन जिन्नात हैं जिन्नात हैं जो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या उस घर के अंदर मौजूद होते हैं आई समझ में। और अगर पानी के अंदर ऐसी स्मेल आ जाए जैसे सड़े हुए अंडे की होती है जैसे अंडे में से आती है तो नजरे बद की अलामत होती है अब आपको किसी भी चीज की स्मेल आए फिर मैं इन शाह तर उसके तरीकेकार आपको समझाऊंगा आप लोग ये करें और फिर मुझे इस नंबर पर जो मेरा ऑफिशियली नंबर है आप मुझे व्हाट्सअप करें फिर मैं इशाला इस इसके तरीकेकार आपको समझाऊंगा कि अगर आपके साथ ए सी स्मेल है तो आप इस तरतीब और इस तरीके से अपना यह काम करें क्योंकि अगर दस लोगों के अंदर ऐसी कैफियत पैदा होती है ऐसे मामला आते हैं तो दस के तरीकेकार अलग अलग होंगे एक नहीं होगा एक तरीकेकार जो बताऊंगा अभी जब मैं अपनी लाइफ ट्रांसमिशन के अंदर कोई तरीकेकार आपको समझाता हूं वो एक आम तरीकेकार होता है लेकिन अगर किसी के साथ डायग्नोज हो जाता है तो फिर हर तरीकेकार हर शख्सार अलग अलग होता है क्योंकि किसी भी क्षेत्रता एक तरीके पर जादू नहीं होता अगर आपके पास कोई जादू हुआ है और इसके पास जादू हुआ है तो इसका तरीकेकार अलग होगा उसका तरीकेकार अलग होगा और अगर पानी में ना किसी किस्म की कोई बदबू हो ना कुछ हो जैसा पानी आपने रखा था वैसा ही पानी हो तो फिर बीमारी है फिर आपके ऊपर कोई मामला नहीं है फिर ये हमारे दिमाग को और हमारे अंदर जो वायरस है ना हमें फिर इसको रिमूव करना पड़ेगा इसको निकालना पड़ेगा मैं आपको वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि जिससे आप ख़ुद एक बेहतरीन मौलज बन जाएँ मैं अपने अखलास के साथ अपने सलासिल के जो बुज़ुर्ग नुजुर्गान दीन ने जो हमें तालीमत दी है ना मैं एक एक चीज़ आप पे जाहिर कर दूंगा इन शी ये मेरा वादा है कि जो कुछ मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है ना मैं इन इस सिलसिले को हमेशा जारी और सारी रखूंगा और यूट्यूब पर भी और वेबसाइट पर भी मैं ताला उन तरीकों को आहिस्ता आिस्ता आम करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ चलने वाले लोग मायूस हों कि जो वेबसाइट को ज्वाइन ना कर सकते हो मैं उनको मायूस नहीं होने दूंगा क्योंकि ये भी आपके दर्जे हैं ये भी एक मदारिज है यह भी एक मंजिल है फिर इसी तरतीब और इसी तरीके के साथ मैं आप लोगों को लेके चलूंगा लेकिन जिस तरह वेबसाइट के अंदर बकायदा तौर पर मैंने लेवल रखे हैं अपने जिसके अंदर मैंने आपको रूहानियत के बारे में आपको बताना है और ताक हीलिंग के बारे में बताना है कि ताक हीलिंग क्या है ताक हीलिंग हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है ताक हीलिंग से हम क्या क्या कर सकते हैं ताक हीलिंग जो है ये एक शॉर्ट रास्ता है जब इंसान एक रास्ते पे चलता है जब उसको सात साल लगते हैं उसमें और जो इंसान ताक हीलिंग करता है वो इंसान कुछ ही महीनों में सात महीनों के अंदर वो कामिल हो जाता है वो ताक हीलिंग क्या है? वो ताक हीलिंग के बारे में जरिए उसमें उसकी रहनुमाई और तालीम और तरबियत करूंगा उसके बाद फर्स्ट लेवल के बाद और जो फर्स्ट लेवल के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे मेरे वो ये समझ लें कि वो मेरे घर का हिस्सा होंगे वो जब चाहेंगे मुझसे सवाल कर सकते हैं जब चाहेंगे मुझसे बात कर सकते हैं उनके कोई मसले मसाइल भी होंगे तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जो उनके दोस्त अभाव के भी मसाइल होंगे वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और अगर उनको ताक हिलिंग के बारे में समझ में नहीं आता मैं खुद उनको करके दिखाऊंगा मैं खुद उनको करके बताऊंगा कि ताक हिलिंग क्या है जब हम कुछ अपनी आंखों से देखते हैं ना हमें फिर ज्यादा उस पर यकीन होता है एक होता है बातों का सुनना यकीन और एक होता है आंखों का देखना यकीन उस हीलिंग में हम वो वो राज को जाहिर करेंगे जो हमारे बुजुर्गों तक हम तक तो पहुंचे जिसपे हमने बड़ी रियाज है तो बड़ी मेहनत करी है अब हमने एक हजार अमल करे होंगे जब हम एक लेवल से जब दूसरे लेवल में दाखिल होंगे फिर उसमें हम बताएंगे कि हम ताक हीलिंग के जरिए जो हमने हीलिंग सीखी है उसके जरिए फिर हम जादू का इलाज कैसे करेंगे अगर हम खुद जादू के अंदर मुलविस हैं या हम खुद जादू की वजह से मुतासर हैं तो हम अपना इलाज कैसे करेंगे ये सेकंड लेवल में होगा और सेकंड लेवल में यही चीज सिखाई जाएगी यही चीज बताई जाएगी कि ताक हीलिंग के जरिए हमने जादू कैसे उतारना है क्या ताक हीलिंग जब हम करेंगे हमें सामान की जरूरत पड़ेगी क्या जब हम ताक हीलिंग करेंगे हमें बखूर की जरूरत पड़ेगी जब हम ताक हीलिंग करेंगे हमें किसी चौकी लगाने की जरूरत पड़ेगी जब हम हीलिंग करेंगे हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी सेकेंड लेवल में हम ये सीखेंगे फर्स्ट लेवल में आपने इसकी पूरी बुनियाद को सीखना है इसकी बेसिक को सीखना है जब जब फर्स्ट लेवल आपका होगा इस पर उबूर हो जाएगा जब आप इस चार महीने के कोर्स को जब सीख लेंगे कर लेंगे जब आपके ऊपर इसकी कमांड आ जाएगी फिर आपको इसका इस्तेमाल करने के तरीके कार में आपको समझाऊंगा सेकेंड लेवल में फिर आपके इर्द गिर्द के जो लोग मुतासर हों जो लोग फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लेंगे अगर वो किसी के घर से भी गुजरते होंगे ना तो उनको महसूस हो जाएगा उनको पता लग जाएगा कि यार इधर कोई मखलूक है कि इधर कोई शयातीनी जिन्नात हैं या इधर कोई जादू हुआ है उनको खुद फील हो जाएगा किसके जरिए ताक हिलिंग के जरिए ताक हिलिंग ये सेकंड और लम्हों में आपको बता देगी कि फ़लां घर में क्या है कि फला शख्स पे जादू है तो जादू क्या है फलं शख्स पे आसेप है तो आसेप क्या है शक पे जिन्नात है तो जिन्नात कौन है यह आपको बता देगी सेकेंड लेवल में पूरा कंप्लीटली फिर हम इसके तरीके का इसमें सीखेंगे फिर हम इसके बारे में जब इसको मुकम्मल करेंगे फिर हम थर्ड लेवल पर आएंगे जब हमारा थर्ड लेवल शुरू होगा फिर इसी तरतीब और इसी तरीके के साथ फोर्थ लेवल हमारा कंप्लीट होगा फोर्थ लेवल में थर्ड लेवल में भी हम सीखेंगे इसमें हम कि जब हम ये काम करना सीख लिया हमने लोगों के काम कर लिए दुनिया को फायदा हुआ अच्छा इस तरतीब इस तरीके के साथ अगर मैंने मैंने अगर मैंने एक हजार लोग भी मैंने इसको तैयार करे ना तो ये एक हजार लोग जो ना एक लाख लोगों पे भारी होंगे और जो ये एक हजार जो लोग होंगे ना जो ये ताक हीलिंग सीखेंगे वो अपने साथ दस लाख लोगों का इलाज कर सकते हैं अपने साथ अपनी हील के अपनी हीलिंग के जरिए जब थर्ड लेवल हमारा कंप्लीट हो जाएगा हमने हर लेवल के चार चार महीने के सेमेस्टर रखे हैं एक सेमेस्टर हमारा फर्स्ट लेवल का जो है वो चार मंथ का है उस चार मंथ के अंदर तीन महीने में बाकायदा हम इसको करेंगे इसको सीखेंगे चौथे महीने में फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने इस तीन महीने में किया, किया। क्या आपको ताकि समझ में आया क्या आपको इसके फायदे हुए क्या आपने इसको किसी पर अप्लाई किया आप उसको इन नोट्स में हमें बना के दें आप हमें बताएं आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं आप एक छोटी वीडियो क्लिप बनाएं कि मैंने ताक हिलिंग को समझा और ताक हिलिंग के जरिए मैंने यह किया और यह हुआ यह तो एक बड़ी अजीब सी चीज है डॉक्टर साहब ये ताक हिलिंग यह आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया इस चौथे महीने के अंदर बकायदा आपके इसमें प्रैक्टिकल्स होंगे आपके बकायदा तौर तो पे एग्जाम होंगे आपके जिसमें आपको पूरी समृद्धि दी जाएगी आपको पूरे नोट्स बना के दिए जाएंगे लेकिन आपने इसको सीक्रेट रखना होगा क्योंकि ये वो मेहनत है जो आपने चार महीने में हासिल की है मैं नहीं समझता कि चार महीने की मेहनत आप इतनी आसानी से किसी को दे देंगे जब ये हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब हम सेकंड लेवल में दाखिल होंगे तो फिर आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए खुद भी कर सकते हैं अपने आप को भी दुरुस्त कर सकते हैं अपने साथ अहबाब को भी सही कर सकते हैं अपने साथ चलने वाले लोगों का भी इलाज और मालजा कर सकते हैं फिर आप दूसरे लोगों का भी उतार कर सकते हैं फोर्थ लेवल में जब हम सीखेंगे तो हम ये सीखेंगे कि हमने जो कुछ किया हमने जो कुछ सीखा हम इस रस्ते से जो गुजरे फिर हम मास्टर्स कैसे बनेंगे हम उस्ताद कैसे बनेंगे ये पूरा टाइम ड्यूरेशन जो है ना ये पूरा बीस मंग बीस ट्वेंटी मंथ का है ये बीस महीने का है ये ये हमने चार चार महीने पे इसको डिवाइड किया इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो आपको करने में आसानी हो आपको हर चीज समझने में आसानी हो फर्स्ट लेवल जो होगा उसमें किसी किस्म का कोई परहेज नहीं होगा उसमें किसी किस्म का कुछ पढ़ना नहीं होगा जब हम फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में दाखिल हो जाएंगे जब हम इस चीज पे कमांड हासिल कर लेंगे फिर हम जिक्र की तरफ आएंगे फिर हम पढ़ने के लिए तालीमें दी जाएगी फिर आगे का सफर हमारा शुरू होगा मैं समझता हूं आज टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया होगा लेकिन आपको वेबसाइट समझ में आ गई होगी कि हम इस लेवल को कहाँ तक लेके जाएंगे तो ताला इन लेवल्स की जो क्लासेस होंगी हमारी अलहमद दो महीने बाद इसके हम इसको स्टार्ट करेंगे और जब अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जब क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद फिर कोई दूसरा शख्स इनरोल उसमें नहीं कर सकता कि जब तक हमारा ये लेवल पूरे चार मंथ का कंप्लीट ना हो जाए जब हमारी क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो इन बाद फिर जितने लोग इनल करेंगे जितने लोग लेवल वन में एडमिशन लेंगे फिर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आगे चलने के लिए जो लोग इस लेवल का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अभी से ही इनरोल कर लें ताकि बाद में उनको पछतावा ना हो कि मुझे वक्त नहीं मिला या मेरे साथ टाइम नहीं हुआ मेरे साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर अक्सर बेशर काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स उसमें इनरोल कर चुके हैं और यही वेबसाइट इन और यही फैसिलिटीज़ यही सारी सहूलत आपको एक यूनिवर्सिटी लेवल पर मिलेंगी और हमारी जो क्लासेस होंगी ये यूनिवर्सिटी लेवल पर ही होंगी इसमें हर चीज़ हर वक्त आपसे कांटेक्ट में रहा जाएगा और मैं समझता हूँ कि आप अलहमदिल्ला आपको अच्छा ख़ासा समझ में आगे होगा हर चीज़ के मुतालिक हर चीज़ के बारे में तो जो लोग हमें सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं और जो लोग इस सफ़र में शामिल हैं और इस सफ़र में शामिल होने के बाद और अगर उनको किसी किस्म के कोई मसाइल पेश आते हैं कोई मुश्किल पेश आती हैं तो वो बाकायदा तौर पर हमारी वेबसाइट पर भी, भी हम से कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अब हम बात करते हैं उस सफ़र की उस कामयाब रमज़ान की उस कामयाब नेकी की कि जो हमारा सफ़र पहले रमज़ान से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ला अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों के लिए ये सफ़र हमारा जब तक हम ज़िंदा हैं ये सफ़र हमारा चलता रहेगा तो इस सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहता है अपने मामलात और अपने काम के लिए चुन लेता है और जो लोग आप लोगों से बारहा कहा गया है और कहा जाता है कि आप लोग जो भी डोनेशन देते हैं आप लोग जो भी चैरिटी करते हैं चाहे वो पेपाल के ज़रिए करते हैं चाहे वो बैंक अकाउंट्स के जरिए करते हैं चाहे वो एजी पैसा जैश कैश के ज़रिए करते हैं या चाहे वो किसी वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए करते हैं तो आप हमें लाजमी बताया करें कि कौन से पैसे कौन सी रकम किस काम के लिए दी गई है ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है और रिसीविंग का मैसेज आप ख़ुद मेरे पर्सनल नंबर से लें अच्छा एक बात याद रखिएगा कि इसके साथ साथ जो हमने चैरिटी का काम शुरू किया है जो लोगों के इस सफ़र को हमने कामयाब नेकी का सफ़र हमने शुरू किया है इसमें अगर मेरे साथ जो ग्रुप के चलने वाले लोग हैं इसमें भी किसी का कोई नंबर नहीं है किसी का भी कोई नाम नहीं है अगर कोई वेस्टर्न यूनियन भेजना चाहता है तो वो हमारे ऑफिशियली नंबर से नाम ले या मेरे अपने पर्सनल नंबर से नाम ले मेरा पर्सनल नंबर दोनों मेरे पर्सनल नंबर हैं जिसपे ईजी पैसे का अकाउंट बना हुआ है जो टेलीनोर है एक पेज जेस कैश का बना हुआ है कि जो जेस का नंबर है ये मेरे अपने पर्सनल नंबर है अगर आप लोग किसी किस्म की अपने भाइयों की अपने लोगों की अपने साथ चलने फिरने वालों की अगर कोई हेल्प करना चाहते हैं तो जब कर देते हैं आप तो आप उसकी स्लिप हमें ज़रूर व्हाट्सएप मुझे इन्हीं दो नंबरों पे कर दिया करें इसको बाकायदे तौर पे मैं ख़ुद देखता हूँ और जो मेरा फैसल बैंक का अकाउंट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं जो यूरोप में हैं यू एस ए में है कैनाडा में है ऑस्ट्रेलिया में है कहीं भी है वो पेपाल को यूज़ कर सकते हैं वो पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं अगर पेपाल के ज़रिए आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक ई मेल मौसू होती है और ई मेल में फिर आप बायदा तौर पर स्लिप हमें व्हाट्सअप कर दिया करें ताकि हम आपको पता लगे कि आपने जिस पेपाल अकाउंट में पेमेंट की है वो डॉक्टर साहब तक पहुँच चुकी है या नहीं आप लोग जो पेमेंट करते हैं मुझे इन्हीं दो नंबरों पर मुझे बता दिया करें कि हमने जो पेमेंट अपनी भेजी है हमने जो रकम भेजी है हमने जिस भी मद में भेजी है क्या वो आप तक पहुंच गई है या नहीं इसकी तस्दीक भी आप लाजमी करा करें जब तस्दीक का मैसेज मेरे पर्सनल नंबर से आप तक मौसू हो जाए आपको तो आप तसली कर लें कि अब आप आपकी जो रकम है वो मुकमल और कामयाब और महफूज हाथों में कि अल्लाह रबुल्ज़त हमें इस रकम को जो आप लोग करते हैं वो सही जगह पर उसको इस्तेमाल करने की हमें तोफ़ी कदा फरमाए और अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू